बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ। आज हम आपके साथ अरबी कचौरी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और खाने में ये बहुत ही मज़े की लगती हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनती हैं। तो आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ इस अरबी कचौरी की बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो एक पैन लिया है, इसमें हमने 2 खाने का चम्मच ऑयल लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस हल्का हल्का इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें एक प्याज हमने जो है अब इसमें एक प्याज हमने लिए तो इसको बारीक बारीक काट लिया है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है हमने, तो इसको भी हल्का हल्का हम बस भून लेंगे। हल्का हल्का बस सोते करना है, इतने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब 3 हरी मिर्चें हैं तो इनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है और ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको भी हल्का हल्का बस पकाएंगे बस। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून जो है ज़ीरा लिया है और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया है। अब सारे मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी, बस हल्की हल्की आंच पे इनको मैंने जो है पकाना है। तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक लिया है और थोड़ी सी बस 2 चुटकी इसमें अजवाइन ली है। अजवाइन हम डालते हैं तो जो है कोई भी भारी जैसे पाना होता है तो वो ख़त्म हो जाता है कोई भी चीज़ हम बनाते हैं। तो अब इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दी है बारीक बारीक कटी हुई, थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है। आप सब्जियां अपने हिसाब से ले सकते हैं इसमें। अब इसमें मैंने बंद गोभी जो है 1/2 कप तकरीबन बंद गोभी है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी बारीक बारीक कटी हुई, तो इसको भी हम थोड़ी देर पका लेंगे। इतनी देर पकाएंगे कि इनमें से पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। तो अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दूंगी। मसाले सारे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं और जो आपको वेजिटेबल पसंद है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, अब हम इसमें 1/2 कप जो है इसमें बॉयल चिकन हमने ऐड कर दिया है। तो ये नमक डाल के हमने बॉयल कर लिया था इसको, चिकन को, और इसके रेशे कर लिए हैं। तो अब इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें जो है अच्छा सा ज़्यादा सारा जो है धनिया हम इसमें डाल देंगे। धनिया जो है मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं धनिया जो है ज़्यादा ही डालती हूँ। तो इससे जो है धनिया डालने से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है ज़्यादा धनिया डालें तो। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितना इसमें सोया सॉस और 1 टीस्पून जितना मैं इसमें चिली सॉस डाल दूंगी। तो अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। हम इतनी देर इन्हें पकाएंगे कि इतना में जो है इसमें पानी खुश्क हो जाए, सब्जियों में पानी रह रहे, इतना हम इनको पकाएंगे। ऊपर से ढक के हमको इनको नहीं पकाएंगे, बस इसी तरह से इनको पकाएंगे। तो ये सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो अब इसमें हम 1 खाने का चम्मच मायनीज डाल देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। अब इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। इतनी देर में हम आटा गूंद लेते हैं। अब इसमें मैंने 1 जो है कप मैदा लिया है और इसमें 1/2 टीस्पून नमक लिया है और 1 खाने का चम्मच ऑयल लिया है। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें जी, हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें इसको पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हम आटा अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। तो ये देखें जी, आटा हमारा जो है गूंद लिया हमने और इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो ये 15 मिनट हो गए हैं, तो अब आटा भी हमारा रेडी हो गया है। तो इसे हम जो है पेड़ा बना लेंगे बड़े साइज़ का, इस तरह से। आटा देखें हमारा नरम मुलायम हो चुका है। अब इसे छुरी से हम इस तरह से 4 इसके पेड़े जो है इस तरह से हम 4 हिस्सों में इसे तकसीम कर देंगे। तो ये देखें जी, अब इसके हम गोल गोल पेड़े बना लेंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने पेड़ा बना लिया। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना दूंगी। तो ये देखें जी, सारे पेड़े बन गए। अब ऑयल लिया हमने 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया और 1/2 खाने का चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है।
तो इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे, उसकी स्लेरी बना लेंगे हम। तो ये देखें हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। अब ये हम जो पेड़े बनाए हैं हम इस तरह से मैदा डस्ट करके इन्हें बेल लेंगे, इतने बड़ा बेलेंगे कि जितनी हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं उतने साइज़ की हम रोटी बना लेंगे। ये वाली कचौरियाँ बनाना बहुत ही आसान है और इसे कोई भी बना सकता है। तो ये हमने जो स्लेरी बना के रखी है तो ये इसके ऊपर डाल देंगे हम। ये हम डालते हैं स्लेरी, तो इससे जो है क्रिस्पी क्रिस्पी बनती हैं हमारी कचौरियाँ, और इनकी जो लहरें होती हैं वो भी सही नज़र आती हैं, मतलब खुल के सही आती हैं। तो ये स्लेरी हमने लगा ली। अब हमने चाय वाली जो है छन्नी ली है, तो इससे हम इस तरह से ये मैदा डस्ट करेंगे। तो इस तरह से सारी जगह मैदा जो है हम डस्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखें जी मैदा इसके ऊपर डस्ट कर दिया हमने। अब इसको एक साइड से उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब दूसरी साइड से मैं इसी तरह से उठाऊंगी और इसे फोल्ड कर दूंगी। अब इसके ऊपर से दोबारा से हम इस तरह से जो हमने स्लेरी बना के रखी है तो ये इसके ऊपर लगा देंगे। अब फिर दोबारा से इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। ये चाय की छन्नी होती है तो इससे आप आराम से मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से ही सब जगह मैदा जो हम डस्ट कर सकते हैं। अब इसे दोबारा से हम फोल्ड करेंगे। अब इसे फिर बेल लेंगे हम। तो ये देखें जी हमने इसको फिर दोबारा से थोड़ा थोड़ा बेल लिया। अब इसके ऊपर फिर हम ये स्लेरी बना कर रखी है तो इसके ऊपर ब्रश से लगा देंगे हम। अब दोबारा से फिर मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। तो ये देखा ये कितनी आसानी से ये कचौरी बन जाती है और ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। तो ये देखें जी हमने इसको जो है इस तरह से रोल करना है, इसको टाइटली रोल करना है हमने दबा दबा के इस तरह से। तो इसको इस तरह से साथ सेट करते जाएंगे हम इस तरह से, ताकि एक तरह की कचौरी बने। तो ये देखें इसको हमने इस तरह से रोल कर लिया। तो ये देखें जी मैंने ये इस तरह से रोल बना दिया है। तो इसी तरह से मैं सारे बना लूंगी, सारे जो पेड़े हैं। तो ये देखें जी हम धागा लेंगे, तो धागे से हम इस तरह से इसको काटेंगे, हम छुरी से नहीं काटेंगे, धागे से। ये बहुत ही आसानी से कट जाती है और इससे हम दो कचौरियाँ बनाएंगे, एक ही पेड़े से दो कचौरियाँ बन जाती हैं। तो ये देखें जी हमने इस तरह से इसको कटिंग कर दिया है। तो ये देखें जी ये कितनी आसानी से ये देखें कट गए। छुरी से हम काटेंगे तो सही नहीं कटेगा, दब जाएंगी ले रहे। तो ये देखें जी, तो इसी तरह से मैं ये सारे पेड़े बना लूँगी। तो ये देखें जी मैंने सारे पेड़े बना कर जो है तैयार कर लिए हैं। तो अब इन्हें हम बेलेंगे। तो ये एक जो है पेड़ा मैंने उठाया, तो इस तरह से हम ऊपर से इसको प्रेस करेंगे। अब इसे बेलन से हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो ये देखें जी इतने साइज़ की मैंने ये रोटी बेल ली है। अब ये छोटे सा मैंने जो है कटोरी ली है, तो इसमें मैं जो ये चकोर जो है कचौरियाँ बनाऊंगी। तो ये देखें जी जिस साइड से हम काटते हैं वो नीचे वाली साइड आनी चाहिए। तो ये देखें अब इसे मैं इस तरह से सेट कर दूंगी। तो ये देखें जी ये कटोरी मैंने सेट कर दी है। तो ये कितनी आसानी से ये देखें ये कचौरियाँ बन जाती है। तो ये हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है, तो ये इसमें हम डाल देंगे। आप इसकी जगह आलू वाली स्टफिंग ले सकते हैं, इसकी जगह कीमा भी आप ले सकते हैं। आपको जो चीज़ पसंद है आप इसमें जो है इसकी स्टफिंग बना सकते हैं। तो ये देखें जी हम इसको एक साइड से इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो
तो ये देखें, ये इसको फोल्ड करके ऊपर से हमने दबा के, तो ये देखें जी हमारी कचौरी बन के रेडी हो गई। तो इसी तरह से मैं सारी कचौरियाँ बना लूँगी। तो ये देखें जी हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हो गई। अब ऑयल रखा है गर्म करने के लिए, तो ऑयल हल्की हल्की आँच पे हमने इनको फ्राई करना है। बहुत तेज़ जो है ऑयल नहीं गर्म होना चाहिए। अब इसे हल्की हल्की आँच पर हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, इससे ज़्यादा लग जाते हैं, 2 से 3 मिनट। तो इनको हल्की हल्की आंच पे फ्राई करें, तभी इन जो है ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे इनको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेंगी। तो ये देखें इनकी हम साइड चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें जी ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। तो ये देखें जी सारी कचौरियाँ मैंने बना के रेडी कर ली हैं। तो इतनी अच्छी ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनती हैं, इनकी लहरें कैसे जो है नज़र आ रही हैं। तो इस तरह कचौरियाँ जो आप बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो मैंने आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। तो ये देखें, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।